अस्थि ना कला देखा जाए। असला ठीक है। सी ऐसा है कि अब हमको गौशाला के लिए क्या चाहिए ये पहले आप समझिए, और हम गौशाला क्यों किए हैं ये दूसरा एस्पेक्ट है। आप उदाहरण दिए वो बाबा लोग गौशाला किया है, दान दक्षिणा लेगा, चंदा लेगा। हमारा गौशाला में आज तक एक रुपया दान चंदा का बात नहीं हुआ है। कोई लाके डाल दे अलग बात है, बट चंदा का खाता नहीं है। हम गौशाला किए हैं महाराज लोग सहायता करो, नहीं। एक दूसरा, तो गौशाला कदाचित धार्मिक एस्पेक्ट को पूरा नहीं करता, या मुझे धर्म मिल जाए उसके लिए भी गाय नहीं रखा। दूसरा है कि मैं गौशाला खोल दूंगा तो ऑल इंडिया का गोरक्षा हो जाएगा, यह भी एस्पेक्ट नहीं है। तीसरा बिंदु ये, फिर गौशाला क्यों खोले हैं ये समझना पड़ेगा। तीसरा बात आप ये बोले कि अगर हम नौकर चार पांच रख लें तो गौशाला तो चल जाएगा। एक तो रखेंगे ना, एक रखे हो गौशाला चल जाएगा। अरे महाराज गौशाला बंद हो जाने से क्या हो जा रहा है, ठेका दिया क्या मेरे को कोई गौशाला खोलो बोल के? नहीं ना, मुझे अच्छा लगा मैं गौशाला खोला, ये उत्तर है। ये मेरा उत्तर नहीं, अनुकूल चंद्र जी का उत्तर है। अच्छा लगा कर रहे हैं, नहीं लगा बंद किया, मैं ठेका नहीं लिया। एक दूसरा एस्पेक्ट क्या कि जो गौशाला आज के डेट में एग्जिस्ट है उसका पीछे लक्ष्य इतना है, एक कि लोग हमें गोबर गोमूत्र का उपयोग करें, गोमूत्र पान करें, गोमूत्र से स्नान करें, गोबर लगाएं, गोबर गोबर का खाद बने, घर घर गांव गांव तक, किचन गार्डन से लेके कृषक तक खाद पहुंचे, और ये प्रमाणित हो कि एक छोटा सा गौशाला बना के एक व्यक्ति विशेष झोपड़ी से महल बना सकता है। एक इकोनॉमिकल और सोशियो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी गाय के माध्यम से दिया जा सकता है। नौकर ये नहीं करेंगे। नौकरों को क्या करना है, गाय चरा के लिए, बहुत नौकर से काम किया हूं, गाय ले गया लाके रख दिया, दाना फेंक दिया, वो अपना सोया, गाय उधर। अब हमें ऐसा ऐसा व्यक्ति निर्माण करना है, ऐसे व्यक्तियों को खड़ा करना। अरे गौतम जी उधर कौन बात कर रहा है? ऐसा है कि ऐसा व्यक्ति खड़ा करें। बोलो व्यक्ति कैसे खड़ा करें? अब देखो विजेंद्र जी, ऐसा है कि आप देखो इस्कन वाले गुरुकुल खोले हैं, क्यों खोले? उनका नंडो मुंडो बनेगा, उनका धर्म वर्म किताब बेचेगा, गर्भ गाड़ी गाड़ी में घूम के, और वो उनका इस संस्था बढ़े, या वो गुरुकुल खोले हैं देश को बढ़ाने के लिए, देश के लिए युद्ध करेगा, क्रांति करेगा, दूसरा राजीव भाई बनेगा, किसन भले इसलिए गुरुकुल खोले क्या? नहीं खोले ना। ऐसे ही मिशनरीज अपना गुरुकुल खोल के बैठे हैं, बाइबल वाइबल पढ़ेगा, गांव गांव प्रचार करेगा, और ज्यादा क्रिश्चियन धर्म को प्रचार होगा, जीसु का और मानने वाले फॉलोअर्स बनेंगे, या वो लोग खोले क्या? राष्ट्रवादी बनेगा, तो राजीव भाई जैसे बनेगा, देश का उद्धार करेगा, उसलिए बनाए क्या? नहीं। आर्य समाज भी अपना गुरुकुल बना लिए, पोंगा पंडित बनेगा, मंत्र तंत्र करेगा, हवन करेगा, किसी का शादी ब्याह कराएगा, संस्कार करवाएगा, या वो लोग बनाए राष्ट्र के लिए धनुष बाण लेके खड़ा हो जाएगा परशुराम जैसे, इसलिए बनाए क्या? नहीं। ऐसे ही लॉर्ड मैकॉले अपना एजुकेशन सिस्टम इसलिए खड़ा किया था कि इस देश में गौ माता को जो एजुकेटेड हायर एजुकेटेड इडियट बनेगा, गौ माता को घर से लात मार के भगाओ। गौ माता, गंगा माता, गीता माता, गायत्री माता, स्व माता को लात मार के भगा दो। एजुकेशन बना है हमारा संस्कृति को ध्वंस करने के लिए, समझिए। यानी क्या, जो लड़का पढ़ लिख लेगा होटल में होटल मैनेजमेंट करके झूठा प्लेट उठा सकता है, लेकिन गौ माता का गोबर गोमूत्र नहीं उठाएगा। अब ऐसे लोगों को लेके आप चाहते हो कि गौशाला खुल जाए, और ऐसे लोगों को लेके गौशाला खुल भी देंगे, मेरे आंख के सामने हजारों गौशाला बंद होते हुए देखा हूं, करोड़ों रुपया का बेस होने के बावजूद। अपने राउरकेला में ही देख लो, चलता है आर्य समाज जी का गुरुकुल, 40 साल पुराना गुरुकुल चलता है उधर। गौशाला भी हमारे गुरुदेव पूज्य ब्रह्मानंद सरस्वती आर्य समाज थे, आर्य समाज का विशाल गुरु गौशाला, एक समय में जहां कितना, आज देख लो हालत क्या है। निंदा नहीं कर रहा हूं, ठीक है, वो लोग चल रहे हैं ना, चलना ही है ना, तो चलाओ ना। ऐसा हम वो नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं, मॉडल बने, उससे हजार आदमी प्रेरणा पाए और फिर अपने अपने इलाका में करें। और अगर जो गोपालक, जो गौसेवक हमारे पास है, मैं उसे अगर मेरा गौशाला का चाबी देता हूं, तो
क्षमा करें गलत बोल रहा हूं, वो उल्टा बोले कि उल्टा मेरे को पैसा दे 10 लाख रुपए, भाई आपका गोबर गोमूत्र, आपका गाय, आपका गौशाला, पेमेंट ये लीजिए। कलकत्ता में पिंजरापोल गौशाला है और भी गौशाला है, वहां के बड़े बड़े, मैं जब कथा करने जाता हूं तो लोग पूछते हैं मेरे को, मैं यही कहता हूं, बोले ऐसे गौशाला नौकर चाकर से चलाओगे, अब गौ माता का सेवा नौकर करेगा, मेरा माँ अगर बीमार पड़े तो मेरा माँ का सेवा नौकर करेगी, मेरा पिताजी बीमार पड़े और कहीं एडमिट हो तो मैं 2-4 नौकर छोड़ दूं क्या, वो मैं बेटा होके अगर मेरा बाप का ईमानदारी से सेवा नहीं किया और मैं अपना सारा नुकसान सारा धंधा छोड़ के अगर मेरे बाप के पास जाके ड्यूटी नहीं दिया तो नौकर ईमानदारी से ड्यूटी देगा क्या, तो गौ माता का सेवा नौकर करेंगे क्या, नहीं कर सकते। अब चाहिए हमें कौन, ऐसे शिक्षा पद्धति जो गौ माता को अपना मां से भी ज्यादा समझ के सेवा दे, और एक सुखी गाय से एक साल में 1 लाख से 10 लाख बिना दूध का, दूध बाय प्रोडक्ट, घी बाय प्रोडक्ट, उसके तरफ कोई ध्यान नहीं देना है, दूध बेचना नहीं है। इसीलिए बोलते ना यादवों का 60 साल में अक्ल होता है, उड़ीसा का गौड़ों लोगों का 80 साल में अक्ल होता है दूध बेच के, तो दूध बेचे मूर्ख, घी बनाए पंडित। तो ऐसे नौकर चाकर रख के गौशाला बनाने से अच्छा है बंद कर दो, नहीं करेंगे, एकदम नहीं करना चाहिए, समझ में आ रहे हैं। अभी मैं सुबह सुबह यहां आता हूं व्यायाम करने, एक्सरसाइज करने के लिए, मैं बोलूंगा नौकर तू मेरे लिए कर दे, मेरे को स्वास्थ्य मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। अभी समझ में आ रहा है, समस्या यहां है।